हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सुबह के बाद अभी मिल रहे हैं हम लोग, दिन हो चुका है और आज हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु अनन्या को पिक करने उसके कॉलेज से। 5 दिन हम लोग के साथ रहने वाली है वो। तो वीकडेज है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लॉन्ग ड्राइव। वैसे तो अकेले आ जाती है लेकिन अनुषा का छुट्टी है तो हम सोचे चलो थोड़ा एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा और उसे पिक करना भी हो जाएगा। रास्ता बहुत अच्छा है, बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी। और जहाँ हम लोग रुकते हैं खाने के लिए, रेस्ट रूम कहाँ, अगर आप तमिलनाडु की तरफ निकल रहे हैं तो कौन से जगह पे आप रुके जहाँ पे आपको ये सारे फैसिलिटी मिलेंगे। रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन वही है कि रेस्ट रूम में वो लोग थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं। तो ये ऐसा ऐसा जगह मैं आपको दिखाऊँगी जहाँ पर आप रुक सकते हैं अगर आप बच्चों लोगों के साथ हैं। तो चलिए जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे आपको। तो इधर रास्ते में ही पेट्रोल पंप पड़ता है शेल का, तो मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि शेल के पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाए क्योंकि यहाँ के सर्विसेज काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये रास्ते में पड़ता है बेंगलोर और तमिलनाडु के, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा ही रुकते हैं और पेट्रोल भरा लेते हैं जब भी भराना रहता है तो। और ये वाले पेट्रोल पंप में एक चीज़ और अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोगों का खुद का एक छोटा सा शॉप है जहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटीज़ के स्नैक्स मिल जाएंगे। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। कौन सा चाहिए? काफ़ी फेमस है, तो चलिए अंदर घुसते हैं इसमें। यहाँ का रेस्ट रूम भी बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन रहता है। हाँ, तो अच्छे से मतलब यूज़ कर सकते हैं इस सब। और खैर फेमस है तो यहाँ का तो इडली डोसा सब चीज़ चटनी उटनी सब फेमस रहता है। तो और काफ़ी खाली भी है, वीकेंड में इतना खाली आपको मिलेगा नहीं, पार्किंग इतना बहुत मुश्किल हो जाता है मिलने में। लेकिन क्योंकि हम लोग वीक डेज में निकले हैं तो सब बहुत आराम से हो जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का डोसा ऑर्डर किए हैं। ये है प्लेन डोसा अनुषा के लिए, मेरे लिए मसाला डोसा। और इस यहाँ का चटनी सब बहुत फेमस है, बहुत अच्छी अच्छी चटनी रहती है। और ये है कौन सा डोसा है, घी पोड़ी मसाला डोसा। हाँ, घी पोड़ी मसाला डोसा। और चटनी देखिए, वैरायटीज देखिए। कैसा है? फ्रेश ही दीजिएगा भैया। कौन सा फ्रेश है? सारे फ्रेश हैं। ये मत देना, ये लो, ये भी क्रॉस करना है। हाँ, ये वाला क्रॉस करना है फ्लाई ओवर। देखिए लाइन से नारियल के खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, इतना सुंदर लगता है। बहुत ज़्यादा सीनिक है ये एरिया, फुल उधर पहाड़, उधर नारियल के पेड़। यहाँ से शुरू हो गया अभी। थ्रू आउट फुल रोड आउट्स एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। दोनों साइड में नारियल के पेड़ देख सकते हैं, बीच में आपको दिखेगा पहाड़ और इधर भी नारियल के पेड़। बहुत सीनिक है और रोड तो ऐसी स्मूथ आपको पूरा मिलेगा पूरा। तो अनन्या को ले लिया हम लोग कॉलेज से, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हो गया टाइम निकले हुए, 5 बजे 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचे थे। अनन्या को पिक किए, फिर अभी निकल रहे हैं। घर जाते जाते 9-10 बज जाएगा, तो शायद हम लोग बाहर ही डिनर करेंगे। तो एक रेस्टोरेंट है, जाते वक्त भी हमारा बहुत बहुत फेवरेट है, नॉर्थ इंडियन खाना काफ़ी अच्छा मिलता है वहाँ पर। तो अगर वहाँ पे रुकते हैं तो मैं वो भी आप उनको दिखाऊंगी। घर के काफ़ी पास में ही है, बेंगलोर के अंदर ही आता है ना वो तो।
नहीं नहीं बैंगलोर के अंदर नहीं आता है, लेकिन बहुत पास में ही है, तो मेरे ख्याल से 45 मिनट्स या एक घंटा लगता है वहाँ से हमारा घर पहुँचने में। तो अगर वहाँ पे रुकते हैं तो वो भी रेस्टोरेंट आपके साथ शेयर करूँगी। तो नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं जा पाए हम लोग, उसके पहले ही बच्चे लोगों को भूख लग गया था और वो रेस्टोरेंट आने में काफ़ी टाइम था, तो हम लोग ए टू बी में ही रुक गए थे और वहीं पर हम लोग खा लिए, डिनर अपना कर लिए थे और फिर घर के लिए निकल गए। तो चलिए अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।